सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए के एस बर्ड्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले कि बर्ड को कैसे बेचे। ये इस टॉपिक पे मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा कुछ नए नए टेक्निक्स लेके आता हूँ ताकि आपको भी इजी पड़े अपने बर्ड्स बेचने के लिए। तो अगर आपके बर्ड नहीं बिक रहे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, सो आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे बेचना है, क्या तरीका है, और वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं भी एक बिगनर था, मेरे से भी नहीं लेते थे बर्ड्स। अभी तो मेरे पास बर्ड रहते ही नहीं है, ऐसे कस्टमर बार बार आते रहते हैं अभी, मतलब ये थोड़ा मुश्किल हो गया। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके साथ भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास इतने सारे कस्टमर आए कि आपके बर्ड्स ही ख़त्म हो जाए। चलिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे इजी जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई कस्टमर चाहिए तो वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन से आपको एकदम इजी मिल जाएगा बिना कोई खर्च किए। आपको इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इस सब में ना आप डाल सकते हैं। यूट्यूब में तो चलो आपको एक सब्सक्राइबर बेस चाहिए तब जाके आपके बर्ड्स बिकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ ही नहीं। अगर आप उसमें रील्स डालते अपने बर्ड्स का बिक जाते हैं। और जो मेन है कि अगर आप बर्ड का जो प्राइस है ना वो ठीक से लगाओ। अगर आपको पता ही नहीं बर्ड मार्केट में क्या चल रहा है और आप अपना अलग प्राइस लगा रहे हैं, अगर समझो बर्ड मार्केट का अलग प्राइस है, समझो कोई बर्ड का 400 और आप लगा रहे 700-500, समझ रहे हैं, तो लोग क्यों लेंगे? लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि जो सबसे मेन जो लोग देखते हैं वो प्राइस देखते हैं। तो प्राइस आपको एकदम भी कम नहीं करना है, आपको देखना है कि आपकी क्वालिटी क्या है। अगर आपकी क्वालिटी अलग दिख रही है दूसरे बर्ड से तो आप लगा सकते हैं अपना प्राइस। जो सबसे मेन है, जो मैंने देखा था कि ऑनलाइन अगर आप आते अपने बर्ड को एडवर्टाइज करना है तो अगर आपके पास मिनिमम 8 से 10 बर्ड है ना पीस, मतलब 8 से 10 पीस कौन से भी बर्ड के है, तभी जाके आप ऑनलाइन आओ, नहीं तो मत ही आओ। क्योंकि ऑनलाइन आपको कभी आपको क्या होगा, स्टार्टिंग में ना डिमांड ही नहीं आएगी। आपने डाला है, एक महीना हो गया, डिमांड नहीं आएगी, लेकिन एक महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। एक महीने का दिया, फिर समझो वीडियो डाला दूसरे दिन ही आ गई, तो आपको ना अचानक कितने भी अमाउंट्स के आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं, अगर आपके पास समझो अभी एक पैर है, दो पैर है या तीन पैर है, तो इतने कम पैर के लिए तो कोई आपको ये नहीं करेगा, समझ रहे ना। बहुत रेयर केस होता है कि आपको कोई एक दो पैर के लिए मैसेज करे, क्योंकि वो आएगा वो उसमें उसको भी ना उसमें भी चॉइस करना होता है, क्योंकि उसको आदत क्या दुकान से लेने का, तो उसमें ऐसा चॉइस करना होता है। उसमें आपके पास चॉइस के लिए बर्ड्स ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो आपके जब तक आपके इतना क्वांटिटी नहीं रहता ना, तब तक आप ऑनलाइन आओ भी मत। आप नॉर्मल शॉप्स में सेल करो, शॉप्स में जाते हैं कुछ ये नहीं है, वहाँ पे आप सेल करो। मालूम है कम प्राइस में जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट कस्टमर को बेचना है तो आपको पहले वही करना पड़ेगा कि वो बेच के थोड़े उस पैसे से अपने पेयर्स बढ़ाओ और फिर जाके बेचो, तभी जाके आपको ना अलग अलग ये मिलेंगे, कस्टमर मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है मालूम है, समझो मैं एक कस्टमर आता है वो आपसे एक पैर लेके जाएगा, लेकिन आगे जाके है ना वो किसी और को भी रिकमेंड करेगा, फिर आपके ना डिमांड बढ़ जाएगी, तो तब आपके यहाँ स्टॉक भी रहना चाहिए। अभी ये बराबर ऐसा तो नहीं है ना कि आपके जब बच्चे आएंगे तभी लोग खरीदने को तैयार रहेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ना आपके क्वांटिटी ज़्यादा रहे तो ही अच्छा है। और ऑनलाइन ना काफ़ी दुकान वाले भी कॉन्टेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मुझे भी कर देते हैं, तो कभी कभी प्राइस जो मुझे चाहिए होता है वो मिल जाता है। इसलिए आपके पास क्वांटिटी हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। और अगर समझो देखो उन्हें भी ज़रूरत रहती है, और अगर आप उनकी क्वांटिटी की जो डिमांड है उनको अगर पूरी कर देते हैं तो आपका एक नाम बन जाता है, तो वो आपका एक फिर क्लाइंट बन जाता है। कस्टमर से ना क्लाइंट बन जाता है। कस्टमर वो होता है जो एक बार लेके चला जाता है, क्लाइंट वो होता है जो बार बार आता रहता है। वैसा फिर आपके लिए ईजी पड़ जाता है, तो आपके बर्ड्स भी ना बिकना एकदम आसान हो जाते हैं। तो ये आपको समझना है कि आपको किस पे फोकस करना है। और क्वालिटी में बताओ अभी क्वालिटी कैसे बढ़ाना है। देखो काफ़ी सिंपल है, कुछ ये नहीं है। अगर कोई फिंचेस का आपका टाइप है, बर्ड में कौन सा फिंचेस है वो, तो उसको एक फूड दो, उससे क्वालिटी बढ़ेगी। जो सबसे मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। और अगर कोई पैरोट में कौन सा भी टाइप है तो उसको है ना आप एग फूड दे सकते हैं, लेकिन जो कॉर्न मैंने देखा है, कॉर्न काफ़ी अच्छा है। कॉर्न से मतलब कॉर्न में ना कैलरी ज़्यादा रहती है जो है ना उनका साइज़ बढ़ाता है, और फिंचेस के मतलब एग फूड उनका साइज़ बढ़ाता है। तो ये आप दीजिए, कुछ होता नहीं है। कॉर्न तो मैं अपने जो बजेस थे, शो बजेस, उनको मैं डेली देता था जब वो मतलब बच्चे रहते थे ना तब, तो कुछ उनको मोशन वोशन कुछ नहीं लगते थे, तो आप वैसा कर सकते हो। एग फूड भी मैं फिंचेस के बेबीज़ को डेली देता हूँ तो कुछ नहीं होता है। तो ये देने से ना उनका मतलब क्वालिटी अच्छा बढ़ेगा। एंड कोशिश करिए कि अपना नाम बनाओ क्वालिटी की वजह से। क्योंकि क्वालिटी की वजह से आप बढ़ाएंगे ना तभी जाके आपका नाम है ना ये रहेगा। क्योंकि आज के इसमें क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, और मार्केट में ऐसा मैंने अभी देखा है कि काफ़ी छोटे छोटे आने लगे बजे सो समय ना, बहुत छोटे छोटे साइज आने लगे। तो ये इजी गेम है कि आप क्वालिटी में आ सकते हैं। तो पहले जब मैं पुराने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बजे से ना नॉर्मल बजे से काफ़ी बड़े रहते थे, प्राइस उतना ही लेकिन काफ़ी साइज बढ़ा रहता था। तो कोशिश कीजिए कि क्वालिटी में अभी वर्क करना काफ़ी आसान है, बस लोगों को पता नहीं है। लोग अलग अलग विटामिन देते हैं, विटामिन तो मैं खुद भी यूज़ नहीं करता हूँ,
तो नेचुरल चीज़ें दे दिए, विटामिन डी के लिए सनलाइट और कैल्शियम के लिए अपना कटल फिश बोन है, कैल्शियम ब्लॉक है, ये सब दीजिए। सो इन सब पे फोकस कीजिए, आपके बर्ड्स बिकेंगे ही। एंड मैं सबसे पहले तो ऑनलाइन आप बनाओ, कुछ इतना इतना हेक्टिक नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप में भी अभी काफ़ी बर्ड्स के चल रहे हैं, अगर आप उसमें ज्वाइन हो जाते हैं तो हो जाओ, नहीं तो ऑनलाइन बनाओ, काफ़ी ईजी है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल से जुड़े रहना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।